रियल नंबर का, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट में लास्ट में बताऊंगा, सेकंड थर्ड फोर्थ अभी नहीं बनाना है। तो फिफ्थ में देखो क्या दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म 3/4 रूट एट, तो रूट एट को तोड़े 2 × 2 × 2, तो 2 × 2 में से 1 × 2 बाहर आ गया। अब ये 2 और 2 × 2 जा 4, ये रूट 2 रह गया, तो 3/2 रूट 2, ओके। -5/9 रूट 5, 45, तो 45 को क्या लिखेंगे, 9/5 जा 9 को क्या लिखेंगे, 3 × 3 जा 9, 9/5 जा 45, तो 5/9, 2 × 3 में से 1 × 3 बाहर आ गया, फिर 3 से कट कर दो, 3 × 3 जा 9, रूट 5 अंदर रह गया, -5/3 रूट 5, पांचवा खत्म। छठा में कह रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म सिंपलेस्ट फैक्टर, तो √32 को में कितना 2 आ जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32, तो 5 × 2 आ गया, तो 2 × 2 में 2 × 2 में 1 × 1 × 2 बाहर आ गया, तो ये 2 और ये 2, 2 × 2 = 4, ये √2 अंदर ही रह गया, 4√2, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर पूछा है, तो केवल √2 लिख दिए। √50, 5 × 5 × 2, तो 5√2, क्यों, 2 5 में से 1 5 बाहर, 5√2, तो √2 को लेना है। अगर रैशनलाइजिंग फैक्टर बोला लिखने, तो केवल जो रूट में बचा है वो लिखोगे। √27, 3 × 3 × 3√3, तो √3 लिख दो, 3/5 √10, तो √10 नहीं टूटेगा, 2 5 जा कुछ बाहर नहीं आएगा, तो √10 ही हो गया। 3√72, 72 को क्या लिख दो, 6 6 जा 36, 36 × 2 जा, तो 2 6 में से 1 6, 6 3 जा 18, 18√2, ये √2 अंदर रह गया, √2 हो गया आंसर, 4√11, √11 हो गया, क्या ये हुआ रैशनलाइजिंग फैक्टर। अब सिंप्लीफाई, ये इंपॉर्टेंट है, तुम लोग सातवां और आठवां अच्छा से सीखना। तो सातवां में पहला एड, तो 147, ये क्या, 4/7, तो जरूर इसमें 7 का फैक्टर है, तो 49 × 3 = 7 7 = 49 × 3, इसमें नीचे 8 है ना, तो जरूर 8 का फैक्टर होगा, 8 × 8 = 64, 64³ जा, इसमें 5 है, 5 × 5 = 25³ जा, अब क्या हुआ, 2 7 में से 1 7 बार, 2 8 में से 1 8 बार, 2 5 में से 1 5, अब ये 7 7 कट, इसमें 8 8 कट, 5 5 कट, क्या बचा, 4√3 प्लस 3√3 माइनस √3, तो 4 3 7, उसमें से 1 निकल गया, 6√3। सेकेंड, 5√3 प्लस 2√27, 1/√3, ये 5√3 ही रहने दो, 27 को क्या करेंगे, 3 × 3 × 3, ये जो आ गया 1/√3, इसको क्या करो, रेशनलाइज कर दो, √3/√3 से मल्टीप्लाई, ये 5√3, ये 2 3 में से 1 3 बाहर आया, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2 3 = 6, और ये √3 अंदर रह गया, ये क्या हो गया, √3 = √3, और √3 × √3 = 3, ये दोनों को ऐड कर दो, 11√3, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 11³ = 33√3, और प्लस ये 1√3, 34√3/3, अच्छा से सीखो, ये 3 4 तो आया, तो जबरदस्त, 216, 6 का क्यूब है ये, 6 6 = 36, 36 6 = 216, ये √6 ऐसे ही रहने दो, 294, 7 7 = 49, 49 6 जा, देखो इसमें 6 निकला ना, इसमें भी √6, तो इसमें भी 6 होगा, तो 6 से तोड़ लेने का, तो ये 6 से क्या टूटता, 6 4 = 24, 5 बचा 6 9 जा, तो 49 हुआ, तो 7 7 = 49 6 जा, ये √6, क्या बोले, उसी से रेशनलाइज कर दो, तो 6 2 6 में से 1 6 बार, 6√6 -5√6, 7√6, और यहाँ क्या हो गया, 3√6/6, 3 1 जा 3 2 जा, अब ये 6 में से 5 गया 1, और ये 7 ऐड कर दो, 7 + 1 = 8√6, और ये बचा √6/2, ऐसे कट मत करना, 2 8 जा 16, 16√6 -1√6, तो 15√6/2। सातवा का फोर्थ क्या है, 4√12 − √75 √48, ये क्या है, 4 3 जा 4 को क्या लिख दिया, 2 × 2 × 3, ये क्या है, 25 3 जा, तो 5 × 5, ये तोड़ना एकदम तुम लोग को लर्न हो जाना चाहिए, अभी जितना बनाया ना मैं, ये आ गया अभी 48, क्या दिखना चाहिए, 16 3 जा 16 को क्या कर दिए, 4 × 4 × 3 हो गया,
अब दो टू में से एक टू बाहर आ गया, ये फोर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फोर टू जा एट और ये रूट थ्री। दो फाइव में से एक फाइव बाहर आ गया रूट थ्री, ये क्या हुआ, दो फोर में से एक फोर आया तो सेवन फोर जा 28 रूट थ्री। अब आठ में से पांच पहले कर लो, ये पॉजिटिव है 8 रूट थ्री, ये दोनों निगेटिव है एड कर लिए 33 रूट थ्री। अब 33 में से 8 गया माइनस 25 रूट थ्री, इसको क्या, ये क्या दिख रहा है 16 थ्री जा, ये क्या दिख रहा है 25 थ्री जा, इसको क्या कर दो रेशनलाइज कर दो, 16 को क्या कर दिए 4 4 जा, 4 बाहर आ गया, 4 टू जाए 5 बाहर आ गया 5 रूट थ्री, और ये रूट थ्री इंटू वन रूट थ्री है, रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री। आठ में से पांच गया थ्री रूट थ्री, आ इसको क्या कर दो माइनस वैसे लिखो थ्री थ्री जा नाइन, नाइन माइनस वन बोलने का, नाइन माइनस वन रूट थ्री तो एट रूट थ्री बाय थ्री। कुछ है मैथ्स नहीं है। अब ये रेशनलाइज वन बाय रूट फाइव, रूट फाइव से ऊपर नीचे कर दो, रूट फाइव इंटू वन रूट फाइव, रूट फाइव इंटू रूट फाइव फाइव, टू बाय थ्री रूट सेवन, रूट सेवन से केवल मल्टीप्लाई कर दो, अगर प्लस माइनस बीच में रहे ना तो कंजुगेट से करेंगे, तो रूट सेवन बाय रूट सेवन टू रूट सेवन, रूट सेवन इंटू रूट सेवन 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 थ्री जा 21, वन बाय रूट थ्री माइनस रूट टू, किससे मल्टीप्लाई रूट थ्री प्लस रूट टू, वन से मल्टीप्लाई इतना ही हुआ, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, रूट टू का स्क्वायर। लिखना सब स्टेप अच्छे से रहना चाहिए, ये थ्री में से टू गया वन, नीचे कुछ नहीं बचा खाली रूट थ्री माइनस रूट टू, वन बाय थ्री रूट फाइव प्लस टू रूट फाइव, किससे मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस के कंजुगेट माइनस से कर दो, वन से करेंगे इतना ही होगा थ्री रूट फाइव का स्क्वायर टू रूट टू का, इसका स्क्वायर कैसे करोगे, थ्री का स्क्वायर नाइन, रूट फाइव का स्क्वायर फाइव, नाइन फाइव जाए फोर्टी फाइव, टू का स्क्वायर फोर और रूट टू का स्क्वायर टू, फोर टू जाए माइनस किए 37, ऊपर ऐसे ही रह गया, ये 12 बाय फोर रूट थ्री, इसके प्लस से मल्टीप्लाई। अब ये 12 बाजू में रहने दो ऐसे ही, अब ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, कैसे ये सॉल्व करते हैं, फोर का स्क्वायर 16 और रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, 16 थ्री जा 48, रूट टू का स्क्वायर टू, 48 माइनस टू 46। अब ये 12 और 46 को कट कर सकते हो, टू सिक्स जा टू, टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, हो गया, ऑल द बेस्ट। अब अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो, क्या है पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, तो इरेशनल मतलब जो सर्च हो, जो रूट से बाहर नहीं आए, ये तो आ जाएगा 4/5, ये नहीं हुआ, ये रूट फाइव, ये हो गया सर्च, ये तो बाहर है, ये नहीं हुआ, ये रैशनल हुआ, हमको इरेशनल, ये भी बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 14, तो कौन हुआ सर्च, रूट फाइव, तो आंसर क्या आया रूट फाइव। दूसरा क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, अब जो डेसिमल है वो क्या है, वो रैशनल है, जो रेकरिंग रे वो भी रैशनल है, ये भी रेकरिंग है रैशनल है, इसमें डैश 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 है, रेकरिंग नहीं हो रहा है, ये हो गया क्या इरेशनल नंबर। नेक्स्ट, डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, जिसके नीचे में टू का टेबल रहे और फाइव का टेबल रहे, वो नंबर डिवाइड दोगे तो डेसिमल में कट हो जाता है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अब देखो इसको फाइव है, ये भी टू का टेबल का है, ये भी कट हो जाएगा डेसिमल में, ये 25 है फाइव के टेबल का, ये भी कट हो जाएगा, तो कौन हो गया इसमें नॉन टर्मिनेटिंग, ये 11 वाला। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, नेचुरल नंबर, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, रियल नंबर, तो क्या दिखाएगा वो, इसमें कौन सा हो जाएगा, तो नंबर लाइन पर कोई भी पॉइंट क्या होगा, रियल नंबर, क्योंकि रियल में सब आ गया, नेचुरल भी, इरेशनल भी, रैशनल भी, इसलिए क्या आएगा आंसर, रियल नंबर। नेक्स्ट, 0.4 रेकरिंग, 4/9 कर दो, मतलब ये हो गया, रूट अंडर एन इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, अगर एन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि वो रूट से बाहर नहीं आएगा अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्ड, ये सर्ड है क्योंकि ये रूट में ही रह गया, ये भी रूट से बाहर नहीं आएगा, ये रूट से बाहर आ जाएगा, क्यों, 4 × 4 × 4 क्या हो जाएगा, 4 × 4 × 4 और ऑर्डर क्या है, तीन, यहाँ तीन तीन चार है, उसमें से एक बाहर आ जाएगा, ये रैशनल नंबर हो गया, इसलिए ये क्या हुआ, ये सर्ड नहीं हुआ। व्हाट इज द ऑर्डर, देखो ये थ्री है और अंदर में रूट फाइव है, तो उसका टू पकड़ने का, तो टू थ्री जा सिक्स,
इसलिए क्या हो जाएगा सी सिक्स। आंसर कैसे लिखोगे, आंसर सी सिक्स। विच वन इज कॉन्जुगेट, तो अब इसमें दोनों प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी, कोई एक को माइनस कर दो। तो देखो ये माइनस ये प्लस, तो ये हुआ, इसमें क्या कर दिया दोनों को माइनस। इसमें तो क्वेश्चन ही गलत लिख लिया, रूट थ्री को यहाँ कर दिया रूट थ्री, ये भी नहीं, ये प्लस ही रखा, ये भी नहीं, इसलिए आंसर क्या हुआ ये द वैल्यू ऑफ 12 माइनस 37। पहले इसको सॉल्व करोगे तो 12, अब 13 प्लस 7 क्या होगा 20, और 20 इंटू 4 क्या होगा 80। अब बाहर आएगा तो क्या होगा ये माइनस 68। और जब भी मॉडुलस से एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा तो वो पॉजिटिव ही होगा, इसलिए 68 माइनस 68 दोनों आए, तो ये होगा। ओके, इसको क्या बोला पी बाय क्यू के रूप में लिखो, तो सेकेंड थर्ड फोर्थ, कभी बाद में इसे ही पढ़ लेने का। ऐसे इसको क्या लिखोगे 500 फाइव 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 अपॉन 1000 कर दो। ओके, ये अभी रहने दो, तो इतना सिखा दिए, ऑल दी बेस्ट। सेकेंड चैप्टर तुम लोग अच्छे से सीखे हो, बहुत ध्यान दे करके, इसलिए तुम लोग को अच्छा रहेगा। मैथ्स कंप्लीट समझो कि फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर अगर अच्छा से आ गया तो तुम लोग का मैथ कंप्लीट। ऑल दी बेस्ट।